तो राजस्थान में किस तरीके से सरप्राइज बीजेपी ने दिया और कैसे भजन लाल मुख्यमंत्री बने, ये हमने आपको दिखाया। और जैसा कि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि मोदी और अमित शाह जो फैसला करते हैं, जो सोचते हैं, उसकी भनक किसी तीसरे को नहीं होती, भजन लाल के चुनाव में ये बात 100% सटीक साबित हुई। आप इस भ्रम में कभी मत आइए। कुछ तो लोग आएंगे, अरे यार मैंने तो तुम्हारा कंप्यूटर पर नाम देखा था, रात को 9 बजे नाम था यार, राष्ट्रपति की यहां लिस्ट गई, तुम्हारा नाम क्यों नहीं आया? यहां तक जैसे मेरे बगल में बैठ करके बना रहा है। मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह के आया हूं, 5 साल यहां रह के आया जा रहा हूं। देखिए जी, ऐसा कुछ नहीं होता है जी। May 25, 2019 यानी करीब 4.5 साल पहले संसद के सेंट्रल हॉल में दिया ये देश के प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान है जो सोशल मीडिया पर विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जमकर वायरल हो रहा है और 100% सटीक भी साबित हो रहा है। ये कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है, न कोई पराया है, जो जीत कर गए सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व तो बहुत कम लोगों को दे सकते हैं। 4.5 साल पहले मोदी ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सच साबित हुआ, क्योंकि अगर आप राजस्थान की राजनीति के पन्नों को उल्टेंगे तो देखेंगे कि प्रचार से लेकर राजस्थान का CM बनने तक की रेस में भजन लाल को छोड़कर करीब 1 दर्जन नाम सामने आए। पूर्व CM वसुंधरा राजे सिंधिया, राजकुमारी दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ और किरोड़ी लाल मीणा, ये वो नाम है जो राजस्थान में मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। बड़ी माला पहनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और सम्मान करेंगे। क्यों चल रहे थे, उसके लिए आपको फरवरी 2023 की एक तस्वीर दिखाते हैं। राजस्थान के दौसा में बीजेपी की चुनावी रैली हो रही थी। PM मोदी इस रैली में मौजूद थे। जब मोदी के स्वागत के लिए नेताओं का नाम पुकारा गया तो उसमें भजन लाल का नाम तक नहीं लिया गया था। इसी कड़ी में आग्रह करूंगा श्रीमती अलका गुजर जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश महामंत्री जी और इनकी टीम के कमल का फूल भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और सम्मान करेंगे। भजन लाल आते हैं, मोदी को माला पहनाते हुए दिखाई भी देते हैं और कुछ सेकंड के अंदर वो फ्रेम से गायब हो जाते हैं। कुछ देर के बाद भजन लाल पीछे की तरफ कुर्सी ढूंढते हुए दिखाई देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नितिन जी का जोरदार तालियों के साथ आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। और फिर मंच पर दूसरी कतार में जाकर धीरे से बैठ जाते हैं। भजन लाल शर्मा को बीजेपी के ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता है जो पार्टी के काम में लगा रहा लेकिन मंच पर सबसे पीछे दिखाई दिया। ब्राह्मण जाति से आने वाले भजन लाल शर्मा संगठन के व्यक्ति हैं। 4 बार राजस्थान में महासचिव की पोस्ट पर रह चुके हैं। राजस्थान में पार्टी अध्यक्ष बार बार बदलते रहे लेकिन भजन लाल महासचिव की कुर्सी पर जमे रहे। यानी कोई तो बात जरूर ऐसी रही होगी जिसकी वजह से भजन लाल को नहीं बदला गया। उनके बारे में कहा जाता है कि साहब वो बहुत लंबी एक एक दिन 12-12 घंटे कार्यालय में बैठ करके काम करते थे। उनके साथ कार्य करने वाले संयुक्त सचिव रहे सुनील कोठारी बताते हैं कि वो बहुत ही सरल और सहृदय व्यक्ति हैं और उनका क्योंकि पूरी निष्ठा जो है वो पार्टी की ओर है। बताया जाता है कि JP नड्डा के भजन लाल शर्मा से पुराने रिश्ते हैं। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले JP नड्डा अक्सर गोवर्धन परिक्रमा के लिए राजस्थान के भरतपुर जाया करते थे। उस समय भजन लाल शर्मा भरतपुर के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। भजन लाल शर्मा 1992 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे। 2021 में गृह मंत्री अमित शाह के सीधे संपर्क में आए थे भजन लाल शर्मा। 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की कमान अमित शाह ने संभाली थी और भजन लाल शर्मा उनके सहयोगी के तौर पर वहां गए थे। तब से भजन लाल शर्मा अमित शाह की कोर टीम का हिस्सा बन गए। जब आप भाजपा के कार्यालय में जाते तो आपको कोई मिले न मिले
कहते हैं कि भजन लाल जी मिलकर के उनके साथ बैठकर चाय पीकर सारी बातें करते थे। भजन लाल जी की पृष्ठभूमि है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है और वहाँ से उन्होंने काम करना शुरू किया। ABP News आपको रखे आगे।